खेरसों में लड़ाई एक बार फिर से तेज हो चुकी है, जहां यूक्रेनी सेना के बोट को अब कैसे निशाना बनाया गया तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि खबर है कि ग्रेनेड से ही बोट पर यह वार किया गया। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के खेरसों शहर पर हमले तेज कर दिए हैं। अभी हाल ही में खेरसों रूसी आर्मी के कब्जे से मुक्त हुआ था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के इस हमले की निंदा की है। खेरसों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि रूसी लड़ाकों ने यूक्रेनी सैनिकों की नाव पर हथगोले गिराए, जिससे आग लग गई। दरअसल यूक्रेन का खेरसों शहर पिछले साल रूसी हमले के बाद से ऐसा शहर बन गया है जहाँ हर घंटे बमबारी या गोलाबारी होती है। इस शहर में रूसी सेना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। दरअसल खेरसों यूक्रेन का वो शहर है जहां रूस और यूक्रेन के बीच सबसे ज्यादा आर पार की लड़ाई हुई है। जंग में पासा भी कई बार पलटा है। भले ही रूस ने पूरे शहर को वीरान कर दिया हो, हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर हो, लेकिन ये भी सच है कि यूक्रेनी सैनिकों ने जमकर रूस के खिलाफ लोहा लिया है और रूसी सैनिकों को चुनौती दी है। यही वजह है कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे यूक्रेनी सैनिकों के एक बोट को निशाना बनाकर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गयी है।